आज का पवित्र वचन 29 मार्च 2018, पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 से 8 और 11 से 14 तक। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम इसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इसराइल के सारे समुदाय को ये आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर में लोगों को बुलाए। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखे, उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह बेड़ा हो अथवा बकरा, महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इसराइली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाएगा। उसी रात बेखमी रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कस कर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करेगा। मिस्र देश में मनुष्य और पशुओं के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देख कर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 23 से 26 तक। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, ये तुम्हारे लिए है, ये मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार बियारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो ये मेरी स्मृति के लिए किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग ये रोटी खाते और ये प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र सुसमाचार संत योहन के अनुसार अध्याय 13 वाक्य 1 से 15 तक। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे ये संसार छोड़कर
पिता के पास जाना है। वे अपने को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रणाम देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोति के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है, मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वह प्रात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बांधे अंगोछे से उन्हें पहुंचने लगे। जब वह सिमोन पेत्रुस के पास पहुंचे तो पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेत्रुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। इस पर सिमोन पेत्रुस ने उससे कहा, प्रभु तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और मेरा सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो किंतु सब के सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उसने पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।